Hello everyone, today in this video, now we are going to study chapter 2nd. Last lecture में हमने beta function किया था, gamma function किया था और कुछ मैंने आपको Bessel's equation करवाई थी, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं, ठीक है? Bessel's equation में हमारे पास क्या आया था, ये देखो, ये हमारे पास Bessel's equation solve करने के बाद y इज इक्वल टू दिस के इक्वल आ गया था और हमें पता है कि बेसल्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू सी वन यू एक्स प्लस सी टू वी एक्स होगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास y इज इक्वल टू, इसमें बेसल्स फंक्शन में हमारे पास केस आएंगे, केस फर्स्ट में क्या होगा, देखो, इफ n इज नॉट n इंटीजर, अगर हमारे पास n कोई इंटीजर नहीं है देन हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे, a नॉट को अगर हम इस फंक्शन को जे एन एक्स फंक्शन में लेके जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए नोट को हम ये ले लेते हैं, ठीक है, वन बाय टू की पावर एन इंटू वन बाय गामा एन प्लस वन और इन इक्वेशन फिफ्थ ए नोट पुट कर देंगे। ये देखो फिफ्थ इक्वेशन ये गिवन है हमें, यहाँ ए नोट की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने लेट की है ये वैल्यू पुट कर देंगे ए नोट की। ये देखो ए नोट डाल दिया यहाँ, एक्स बाय टू की पावर एन वन अपॉन गामा एन प्लस वन इंटू ये फंक्शन। अब क्या करोगे, यहाँ वन अपॉन गामा एन प्लस वन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, क्या फंक्शन बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ से हम यहाँ टू है, यहाँ पे फोर है तो फोर को हम क्या कर सकते हैं, टू का स्क्वेयर कर सकते हैं, यहाँ एक्स बाय टू का होल स्क्वेयर बन जाएगा, ये आ गया। और वन अपॉन गाम एन प्लस वन, गामा एन प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, गामा एन प्लस टू प्लस, आगे देखो यहाँ, यहाँ फोर का स्क्वेयर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर फोर, ठीक है, एन प्लस टू एन प्लस वन गामा एन प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, गामा एन प्लस थ्री एक्स बाय टू की पावर फोर, माइनस अप टू सोन कर देंगे। उसके बाद देखो, अगर मैं एक्स बाय टू की पावर एन को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ हर टर्म के साथ तो क्या बनेगा, देखो यहाँ एक्स की पावर टू की पावर एन और यहाँ एक्स बाय टू की पावर टू, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, क्या आ जाएगी, एक्स बाय टू की पावर एन प्लस टू, यहाँ एक्स बाय टू की पावर एन प्लस फोर और यहाँ एन प्लस सिक्स अप टू सोन। यहाँ से हमारी सीरीज क्या बन गई है, जे एन एक्स इज इक्वल टू समीशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर एक्स बाय टू की पावर एन प्लस टू आर इंटू वन अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन, ठीक है। जे एन एक्स क्या आ गया आपके पास, दिस के इक्वल, ये आ गया आपके पास इक्वेशन एट, ठीक है। उसके बाद अगर हमें बेसल्स फंक्शन को ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर माइनस एन में लेना है तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू की जगह हम माइनस एन रख देंगे तो क्या आ जाएगा, जे माइनस एन एक्स इज इक्वल टू समीशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर एक्स बाय टू एन की जगह माइनस एन प्लस टू आर वन अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन की जगह माइनस एन प्लस आर प्लस वन, क्या आ जाएगी इक्वेशन नाइन्थ। अब देखो, जब हमारे पास एन इज नॉट अ इंटीग्रल देन कम्प्लीट सोल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन का क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू सी वन वाई एन जे एन एक्स प्लस सी टू जे माइनस एन एक्स, ठीक है। अब अगर हम जे एन एक्स में एन इज इक्वल टू जीरो डालते हैं, अगर हम जे एन एक्स में एन इज इक्वल टू जीरो डालते हैं देन हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, जी यहाँ पे एन क्या आएगा, जीरो, जे नोट एक्स आ जाएगा, यहाँ एन की वैल्यू जीरो डाल दो टू आर आ जाएगी, यहाँ जीरो डालेंगे तो आर प्लस वन, तो जे नोट एक्स क्या आ जाएगा, दिस के इक्वल। और हमें पता है कि जे एन एक्स अगर हम इस समीशन को ओपन करते हैं तो सीरीज किस टाइप की बनती है, इस टाइप की बनेगी, ये देखो यहाँ से ये जे एन एक्स है और आपकी सीरीज क्या थी, जे एन एक्स आपके पास किस चीज़ के इक्वल था, वाई इज इक्वल टू दिस के इक्वल, ए नो वी एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स की पावर माइनस एन अप टू सोन, इसी सीरीज को तो हमने जे एन एक्स माना है। अगर हम यहाँ पर एन की वैल्यू जीरो रख देते हैं देन हमारे पास क्या बन जाएगी सीरीज, जे नोट एक्स, ठीक है, तो जे नोट एक्स क्या आ जाएगा, दिस के इक्वल। अगर हमारे पास केस सेकंड देखो, एन इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, बेसल्स इक्वेशन इज एन ऑर्डर जीरो, देन हमारे पास बेसल्स इक्वेशन किस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी, एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगी, एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है।
तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट, y इज इक्वल टू सी वन इंटू दिस प्लस सी टू इंटू यू एक्स लॉग एक्स प्लस अंटू दिस। ठीक है, यू एक्स आपको पता है, ये आपके पास यू एक्स है। ठीक है, यू एक्स को हमने क्या बोला है, जे नोट एक्स, तो सी वन जे नोट एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो सी टू यू एक्स लॉग एक्स, यू एक्स को हम क्या बोलते हैं, जे नोट एक्स, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, जे नोट एक्स लॉग एक्स प्लस इंटू सीरीज दिस, ये क्या आ गया, वाई नोट एक्स मान लिया हमने, तो वाई क्या आ गया हमारे पास, सी वन जे नोट एक्स प्लस सी टू वाई नोट एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वाई नोट एक्स इज कॉल्ड बेसल्स फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर जीरो। ठीक है, उसके बाद देखो केस थर्ड में क्या आता है, इफ़ एन इज एन इंटीजर इज बेसल्स इक्वेशन, जब हमारे पास एन कोई इंटीजर होगा देन बेसल्स इक्वेशन में क्या होगा, देखो अगर एन हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है देन इक्वेशन फिफ्थ फेल हो जाएगी एंड यू एक्स फाइंड आउट होगा, अगर एन इज पॉजिटिव इंटीजर है देन इक्वेशन सिक्स फेल हो जाएगी एंड गिवन वी एक्स होगा। दस इफ एन इज एन इंटीजर, अगर एन हमारे पास कोई इंटीजर है देन हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो वहाँ हम बेसल्स इक्वेशन का जो सॉल्यूशन लेंगे, जो वाई लेट करेंगे वो हम क्या करेंगे, फाई एक्स जे एन एक्स फंक्शन। ठीक है, वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निकाल लोगे, वाई इज इक्वल टू दिस है तो डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसका क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का करो फाइव डैश एक्स जे एन एक्स एज इट इज प्लस फाइव एक्स एज इट इज जे एन डैश एक्स। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, फाइव डबल डैश एक्स इंटू जे एन एक्स एज इट इज प्लस फाइव डैश एक्स इंटू जे एन डैश एक्स प्लस फाइव डैश एक्स जे एन डैश एक्स प्लस फाइव एक्स एज इट इज जे एन डबल डैश एक्स, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा, फाइव डबल डैश एक्स जे एन एक्स प्लस फाइव डैश एक्स जे एन डैश एक्स फाइव डैश एक्स जे एन डैश एक्स, तो ऐड कर दो इनको क्या आ जाएगा, टू फाइव डैश एक्स जे एन डैश एक्स प्लस फाइव एक्स जे एन डबल डैश एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे, सब्सिट्यूट कर दो वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में जब हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये थी इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट कर दी हमने एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या है, इसके इक्वल डाल दो, यहाँ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इंटू वाई इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से फाइव एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ भी फाइव एक्स है, यहाँ भी फाइव एक्स है और यहाँ भी फाइव एक्स है, तो फाइव एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई किया इस टर्म में और एक्स मल्टीप्लाई किया इस टर्म में, तो क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वेयर जे एन डबल डैश एक्स प्लस एक्स इंटू जे एन डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इंटू जे एन एक्स। ठीक है, प्लस क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वेयर फाइव डबल डैश एक्स जे एन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वेयर फाइव डैश एक्स जे एन डैश एक्स प्लस एक्स फाइव डैश एक्स जे एन एक्स प्लस एक्स फाइव एक्स, सॉरी ये हमने इसमें ऐड करके कर लिया था, तो ये इक्वेशन आ जाएगी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आपके पास इक्वेशन टेंथ हो गई। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस वाले टर्म से जे एन एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन देयर फोर दिस इक्वल टू जीरो के लेके आएगी हमारे पास ये वाली इक्वेशन इक्वल टू जीरो के आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन टेंथ को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या है हमारे पास इक्वेशन टेंथ, एक्स स्क्वेयर फाइव डबल डैश एक्स जे एन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वेयर फाइव डैश एक्स जे एन डैश एक्स प्लस एक्स फाइव डैश एक्स जे एन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करोगे, डिवाइडिंग कर दो इस वाली टर्म को किस से, एक्स स्क्वेयर फाइव डैश एक्स से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फाइव डबल डैश एक्स बाय फाइव डैश एक्स प्लस टू इंटू जे एन डैश एक्स अपॉन जे एन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन कर दो डी बाई डी एक्स, क्या कर सकते हो इसको, लोग फाइव डैश एक्स प्लस टू डी बाई डी एक्स लोग जे एन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लोग एक्स इज इक्वल टू जीरो कर सकते हो आप इसको। अब क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग कर दोगे, क्या आएगा इंटीग्रेशन करोगे तो लोग फाइव डैश एक्स प्लस टू लोग जे एन एक्स प्लस लोग एक्स इज इक्वल टू लोग सी, अब लोग कॉमन ले लिया, क्या आया फाइव डैश एक्स
जे एन स्क्वेयर एक्स इंटू एक्स प्लस लोग सी। ठीक है, लोग ये आपके पास फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लोग से लोग कैंसिल, क्या आएगा फाइव डैश एक्स जे एन स्क्वेयर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से फाइव डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सी अपॉन एक्स जे एन स्क्वेयर एक्स। इंटीग्रेशन अगेन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, फाइव एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी अपॉन एक्स जे एन स्क्वेयर एक्स डी एक्स प्लस सी डैश। ठीक है, अब क्या करोगे, सब्सिट्यूट कर दो, सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ फाइव एक्स इन एज्यूम्ड सोल्यूशन, एज्यूम्ड सोल्यूशन में डाल दो फाइव एक्स की वैल्यू। फाइव एक्स की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे ये देखो, अब ये हमने एज्यूम की थी वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स इंटू जे एन एक्स, जे एन एक्स की वैल्यू हमें पता है, अब फाइव एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, इंटीग्रेशन ये आई है इंटीग्रेशन सी अपॉन एक्स जे एन स्क्वेयर एक्स डी एक्स प्लस सी डैश, ये डाल दी इंटू जे एन एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको सी डैश कर दोगे। ठीक है, जे एन एक्स प्लस जे एन एक्स इंटीग्रेशन सी अपॉन एक्स जे एन स्क्वेयर एक्स डी एक्स हो जाएगा ये। ये आपने क्या किया, जे एन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी और इधर भी, तो ये टर्म बन जाएगी। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू सी वन जे एन एक्स प्लस सी टू वाई एन एक्स, वाई एन एक्स इज इक्वल टू क्या है, जे एन एक्स इंटीग्रेशन डी बाई डी डी एक्स बाई एक्स इंटू जे एन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, वाई एन एक्स इज कॉल्ड बेसल्स इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने ऊपर अभी तक स्टडी किया है, जे एन एक्स निकाला है, फाइव डैश एक्स निकाला है, वाई निकाला है, जे एन माइनस एक्स निकाला है, तो वो सब ये एक समरी है। ठीक है, ये देखो बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑर्डर एन के लिए जे एन एक्स, उसके बाद ये माइनस जे एन एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट काइंड के लिए जे नोट एक्स निकाला था, ये आपके पास सीरीज बनी थी जे नोट एक्स की, ये वाई एन एन एक्स निकाला था आपने। ठीक है, उसके बाद सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर जीरो इज डिनोटेड बाय वाई नोट एक्स निकाला था, ये इक्वेशन आई थी। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन क्या थे, दिस थे। ठीक है, ये कैसे है, देखो जब n इज नॉट एन इंटीजर होता है देन हमारे पास y आएगा दिस टाइप का, अगर n जीरो है तो y आ जाए आएगा दिस टाइप का, अगर n इंटीजर है देन y आएगा दिस टाइप का। ठीक है, उसके बाद क्या आया था, देखो j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एन जे एन एक्स। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है, ये देखो ये आपके पास जे एन एक्स की आपके पास समीशन पता है आपको क्या होता है जे एन एक्स। ठीक है, यहाँ जे नोट एक्स निकालना है, जे वन एक्स जे वन बाई टू एक्स एंड जे माइनस वन बाई टू एक्स निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करोगे, एन की जगह ज़ीरो रख दोगे, फिर एन की जगह वन रख दोगे, फिर वन बाई टू रख दोगे और फिर माइनस वन बाई टू रख दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये जे नोट एक्स की आ गई, ये जे वन एक्स की आ गई, ये जे वन बाई टू एक्स की आ गई। ठीक है, ये जे वन बाई टू एक्स की वैल्यू दिस आ गई। ठीक है, ये आपके पास जे माइनस वन बाई टू एक्स की वैल्यू दिस आ गई। ठीक है, ये आपके पास गिवन है जो मैंने अभी तक। ठीक, उसके बाद आते हैं रेकरेंस रिलेशन फॉर बेसल्स फंक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स जे एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, अगर डेरिवेटिव करते हैं हम एक्स की पावर माइनस एन जे एन एक्स, क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस वन इंटू एक्स। ठीक है, ये आपके पास कुछ रिलेशन है रेकरेंस रिलेशन, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जांपल जो होगे वो आपको इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगे। ठीक है, ये देखो मैं आपको फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन करवा देती हूँ और बाकी ईजिली आप कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स जे एन एक्स है, क्या करोगे, डी इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स एन समीशन जे एन एक्स क्या है आपके पास, ये पता ही है आपको। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, एक्स एन को डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स समीशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी इसका करोगे क्या आएगा, यहाँ से एक्स की पावर एन प्लस, यहाँ एक्स की पावर एन है और यहाँ भी एक्स की पावर एन प्लस टू आर है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, एक्स की पावर टू एन प्लस टू आर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, टू की पावर एन प्लस टू आर आ जाएगा। ठीक है, इसको पावर आगे आ जाएगी टू एन प्लस आर इंटू एक्स टू एन प्लस टू आर माइनस वन अपॉन टू एन प्लस टू आर। ठीक है, उसके बाद समीशन आर इज इक्वल टू जीरो माइनस वन की पावर आर आर फैक्टोरियल वन अपॉन एन प्लस आर, क्या लिख सकते हो,
गामा एन प्लस आर, तो इसको क्या कर दोगे आप, एन प्लस आर एक्स की पावर टू एन प्लस टू आर माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन प्लस टू आर। ठीक है, यहाँ से एक्स एन बाहर ले लोगे, ठीक है, एक्स एन बाहर ले लिया, समीशन क्या बन जाएगी, इस टाइप की बन जाएगी। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जे एन माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, और एक्स एन हमारे पास है ही मल्टीपल में, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन जे एन एक्स का, एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन एक्स, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये आपके पास ये रेकरेंस रिलेशन है, ये आप लोग ट्राई करना, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगर यहाँ तक आप लोग कर लेना, कहीं कोई डाउट हो तो टेल मी। ओके, थैंक यू।